लॉफ मोशन फिजिक्स क्लास के लिए नीट आईटी मेन और एडवांस, और अभी एक नया टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे स्प्रिंग स्प्रिंग से रिलेटेड जितने टर्म हैं डिफॉर्मेशन इलोंगेशन स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन कटिंग ऑफ स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग का जो रिजल्ट होता है लॉक मोशन में वर्क फॉर एनर्जी में बहुत सारे क्वेश्चन है इसका इसके एप्लीकेशन से बनता है एस में मोर देन फिफ्टी क्वेश्चन मिल जाएगा स्प्रिंग के रिजल्ट से कोलिजन में पढ़ना है और आगे जो ट्वेल्थ क्लास है इलेक्ट्रोस्टाइट है मैग्नेटिक फील्ड है मॉडर्न फिजिक्स है हर जगह स्प्रिंग किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा आपको ठीक है तो एक जगह हम लोग रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्प्रिंग के बारे में सब कुछ यहां पढ़ेंगे हम लोग कि स्प्रिंग को कैसे स्प्रिंग फोर्स हम लोग डिफाइन करना है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है कॉम्बिनेशन करेंगे कटिंग करेंगे उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो डिस्कस करेंगे सो स्टार्ट करते हैं नंबर वन आपके सिलेबस में जो स्प्रिंग है वो लाइट स्प्रिंग है आ, या मार्सलेस स्प्रिंग है जो एकदम लाइट वेट हो स्प्रिंग वो पढ़ना आपको हैवी स्प्रिंग भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपको तो आपके सिलेबस में जो है लाइट स्प्रिंग हैवी स्प्रिंग।, है स्प्रिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे आप पहले थ्रेड समझिए थ्रेड रस्सी जो है ऐसे हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे आप इस प्लान को आप समझिए कि ये है थ्रेड है ये थ्रेड है और यहाँ से एक ब्लॉक लगा हुआ हम लोग पढ़ चुके हैं टेंशन फोर्स तो पढ़े हुए हैं कि ये ये थ्रेड है और लाइट थ्रेड तो जब ये लाइट थ्रेड हुआ करता था तो लाइट थ्रेड में हर सेक्शन पे कहीं भी आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे हर सेक्शन पे टेंशन बराबर था हैवी जब इस थ्रेड था हैवी थ्रेड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हैवी थ्रेड में हर पॉइंट पे टेंशन वेरी करता था तो यहां पे लाइट थ्रेड है तो टी यहां पे थ्री टी टी इधर टेंशन फोर्स फोर्स और ये कांस्टेंट टेंशन होता है हर जगह टेंशन जो होता है ये टेंशन जो है वो कांस्टेंट कांस्टेंट ऑन लाइट थ्रेड लाइट so जो थ्रेड है हल्का थ्रेड रहेगा उसमें हर सेक्शन पे टेंशन कांस्टेंट रहेगा ये आप जानते हैं हैवी के, के केस में वैरी करता है और आप पढ़ चुके हैं हैवी थ्रेड थ्रेड अब जो थ्रेड है ना थ्रेड के जगह एक मेटालिक वायर ले लीजिए छोटा सा मेटालिक वायर ले लीजिए अब ये अगर आप थ्रेड के जगह आप मेटालिक वायर ले रहे हैं ऐसे है। इस तरह से ले लीजिए सेम चीज है ब्लॉक को अटैच करना है ब्लॉक अटैच कर लीजिए ये हम लोग बात कर रहे हैं, हैं यहाँ पे अब मेटालिक मेटालिक वायर ये लाइट ले लीजिएगा लाइट मेटालिक वायर ले लीजिएगा सेम कॉन्सेप्ट है वो रस्सी है वो धागा है वो कॉटन उल्का है वो थ्रेड है ठीक है हर पॉइंट पे टेंशन बराबर रहेगा लाइट थ्रेड है उसकी जगह आप तार ले लीजिए कॉपर का वायर ले लीजिए एल्यूमियम वायर आयरन का पतला सा वायर ले लीजिए तो सेम कॉन्सेप्ट है ठीक है सेम कॉन्सेप्ट हर जगह टेंशन हर जगह टेंशन जो रहेगा कॉन्स्टेंट टेंशन फोर्स ये ये है और टेंशन फोर्स ठीक है अब क्या करना है ये ये सब चीजें तो जानते हैं आप टेंशन पड़े हुए हैं वो धागा है कॉटन वाला रस्सी है ये वाला आपका मेटल का वायर है एल्युमिनियम हो कॉपर हो या आप आयरन का वायर हो लाइट रखेंगे तो हर जगह टेंशन जो होगा वो सेम रहेगा अब हमें पढ़ना है स्प्रिंग तो स्प्रिंग इन्हीं सब चीजों से ये जो आप पढ़े हुए हैं थ्रेड चाहे स्ट्रिंग वो देख रहे हैं मेटालिक वार लिए हुए हैं अब यही वार देखिए इसी वार को जो सीधा वार है उसको स्पारल ऐसे 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 मोड़ दीजिए जैसे वार है स्प्रिंग आप जानते हैं मान लीजिए जैसे ये वार होगी ये वार है अब ये वार जो है अभी सीधा है ये सीधा वायर है अब इसी को ऐसे 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 मोड़ दीजिए ये स्प्रिंग हो गया तो यही वायर को जब आप मोड़ते हैं आप जानते हैं कि ये ये हो गया हम लोग का स्प्रिंग ऐसे 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 कर लीजिए और यहाँ से ब्लॉक अटैच कर दीजिए तो ये है स्प्रिंग इसी वायर को मोड़ दीजिए लाइट स्प्रिंग बन गया और यहाँ टेंशन जो दिख रहा है वहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हो जाता है और अगर लाइट स्प्रिंग है हर सेक्शन पे स्प्रिंग फोर्स सेम होगा जैसे ये है आपका लाइट स्प्रिंग अब ये स्प्रिंग हो यहां पे स्प्रिंग फोर्स चाहे यहां स्प्रिंग फोर्स देखेंगे चाहे यहां स्प्रिंग फोर्स देखेंगे हर जगह स्प्रिंग फोर्स एग्जैक्टली सेम जैसे टेंशन हर जगह टेंशन सेम है यहां पे एफ स्प्रिंग यहां पे यह है एफ स्प्रिंग हो गया और यह है एफ स्प्रिंग हर जगह स्प्रिंग फोर्स सेम जैसे टेंशन कांस्टेंट टेंशन फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स अगर वो लाइट स्प्रिंग है तो एफ स्प्रिंग ये कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स तो इसको एफ एस पी एसपी का मतलब स्प्रिंग फोर्स होता है इसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं लोग इसको ये तो स्प्रिंग फोर्स को सबसे पहले समझना है कि अगर लाइट स्प्रिंग है जस्ट लाइक अ थ्रेड जैसे रस्सी होता है या मेटालिक वायर है एग्जैक्टली exactly सेम हर सेक्शन पे टेंशन सेम रहेगा ठीक है वैसे यहाँ पे हर सेक्शन पे स्प्रिंग फोर्स सेम होगा नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स हमें डिफाइन करना है स्प्रिंग फोर्स के लिए प्लानिंग करते हैं और देखिए आपका अब स्प्रिंग को आप वर्टिकल और जेंटल कैसे भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट नंबर वन कर लीजिए ऐसे बना लीजिए ये ऐसे स्प्रिंग दिखा दीजिए ऐसे और इसको बोलेगा एल नॉट एल नॉट जो है वो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग ये लेंथ स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है ये है एल नॉट ये एल नॉट नेचुर ठीक है अब अगर हम लोग इसमें अगर ऐसे बनाते रहे ये मान ली स्प्रिंग को ऐसे मैंने कोई ब्लॉक लगा के कोई ऐसे लगा के खींच दिया ऐसे ऐसे ब्लॉक लगा के खींचा ठीक है तो ये है एल नॉट एल नॉट जो है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग और यहाँ से देखिए अब अगर आपने कोई ब्लॉक लगा करके स्प्रिंग को ऐसे खींचा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स जो है वो इलोंगेशन एलोंगेट कर दिया आपने स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हैं जैसे कि ऐसे भी बना सकते हैं हो सकता है स्प्रिंग को ऐसे आपने ऐसे दबा दिया ये है ब्लॉक और ब्लॉक ऐसे उसको पुश कर दिया तो ये जो आपका जो नेचुरल लेंथ है उससे जो अंदर चला गया इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन ये है कंप्रेशन ये कंप्रेस हो गया ये इलांगेशन हो गया तो आप नोट करते हैं फिर मैं समझाता हूं आपको तो स्प्रिंग फोर्स सो एल नॉट इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इनिशियल लेंथ ऑफ अनस्ट्रेस्ड इनिशियल लेंथ अनस्ट्रेस्ड है एकदम नॉर्मल है ना तो उसमें इलांगन है ना कंप्रेशन है वो एल नॉट हो गया एक्स एक्स को यहां पे आप बोल सकते हैं इलोंगेशन या एक्स जो है वो कंप्रेशन ये अंदर चला गया कंप्रेशन या फिर आप X को बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन इसको डिफॉर्मेशन इलोंगेशन कंप्रेशन को डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं डिफॉर्म हो गया डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग ये तो इलोंगेट करना है कंप्रेस करना है या डिफॉर्मेशन दोनों कोई भी करेंगे तो उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं ठीक yeah. है या हल्का सा डिफॉर्मेशन करना है क्योंकि तो आपका सिलेबस में हुक्स लॉ हुक्स लॉ हुक्स लॉ आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ आपका अंडर इलास्टिक लिमिट मतलब आपका ये एक्स जो है ना बहुत हल्का सा थोड़ा सा स्प्रिंग को थोड़ा सा जस्ट आगे या पीछे करना है आपको सो अंडर इलास्टिक लिमिट सो अंडर इलास्टिक लिमिट जब इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं एक्स मच मच लेस एल नॉट बहुत कम हो ये डिफॉर्मेशन जो है जैसे स्प्रिंग को स्प्रिंग को खींचना है तो हल्का सा खींचना है या कंप्रेस करना है हल्का सा कंप्रेस करके आपका सिलेबस इसी पे है अगर आप स्प्रिंग को जैसे बचपन में हम लोग सब लोग पेन पेन रहता था स्कूल में पढ़ते थे सेवन एट क्लास में तो पेन पेन के अंदर स्प्रिंग रहता था तो स्प्रिंग सब लोग निकाल करके स्प्रिंग को खींचा करते थे ऐसे तो हल्का सा खींचेंगे हल्का सा खींचेंगे कि स्प्रिंग रिटर्न बैक कर जाए अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और अगर आप स्प्रिंग को एक किनारे पकड़ के बड़ा से खींच दीजिएगा खूब ज़्यादा खींचिएगा तो स्प्रिंग वापस नहीं लौटेगा तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट वो प्लास्टिक लिमिट वो अभी सिलेबस में नहीं है आपका वो आगे आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो कोई मटेरियल कैसे टूटता है क्योंकि स्प्रिंग है अभी आपका एलेवंथ क्लास है स्प्रिंग ऐसे करना आपका एलेवंथ क्लास में है कि स्प्रिंग स्प्रिंग जो है उसको हल्का सा ऐसे खींचना हल्का सा खींचना है हल्का सा एकदम एक्स जो है बहुत हल्का सा खींचना है इतना ही खींचना है कि उसको छोड़ने पे स्प्रिंग वापस आ जाए बट हम लोग सेवन एथ क्लास में हम लोग अपने पेन से स्प्रिंग निकालते थे और कई बार स्प्रिंग को लेके ऐसे खींच देते थे और जब अगर आप स्प्रिंग को ऐसे खींच दीजिएगा ऐसे तो देखिएगा वो रिटर्निंग बैक करेगा वो रिटर्न बैक नहीं करेगा वो बस ऐसे ही खींच दिए छुट जाएगा वही रह जाएगा आपको तो वो प्लास्टिक लिमिट है और उसके बाद और खींचिएगा और अगर स्प्रिंग को और ज़्यादा खींचेंगे एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर खींचेंगे तो बिग से टूट जाएगा वो क्रैकिंग सेक्शन से से आ जाएगा तो वो वो इंजीनियरिंग कॉलेज का पार्ट है वो मैकेनिकल में हम लोगों को सभी सब एक्सपेरिमेंट करना होता था कि कैसे मेटेरियल टूटता है तो आपका सिलेबस जो है अभी अंडर इलास्टिक लिमिट है आपको हल्का सा बस खींचना है या हल्का सा कंप्रेस करना है जब ज़्यादा कर देंगे तो वो प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा वो वहीं रुक जाएगा स्प्रिंग रिटर्न नहीं करेगा और उसके बाद और ज़्यादा खींचेंगे लिमिट क्रैकिंग आ जाएगा वो मटेरियल टूट जाएगा बीस से क्रैक कर जाएगा तो क्रैकिंग वो स्ट्रेंथ चेक करना होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग करते थे कि, कि कोई मटेरियल जैसे ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज बना रहे हैं तो कितना लोड ले सकता है कितने ट्रक जा सकते हैं दिन भर में और उसमें जो हम लोग जो रॉड डालते हैं आयरन रॉड वो कितना लोड ले सकता है कितने के बाद वो ब्रेक डाउन करता है तो ये पार्ट कॉलेज का हो गया इंजीनियरिंग कॉलेज का वहाँ हम लोग को पढ़ना होता था

दोनों को कॉमन एक लाइन में बोलते हैं डिफॉर्मेशन और ये एक्स बड़ा छोटा होना चाहिए एल नॉट से थर्ड सेकेंड पॉइंट जैसे आप कोई स्प्रिंग को हल्का सा खींच रहे हैं यह है स्प्रिंग का ओरिजिनल यह है एल नॉट ऐसे ओरिजिनल लेंथ जब आप स्प्रिंग को इलांगेशन करेंगे ऐसे स्प्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं ठीक है स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं यहां से यहां तक स्प्रिंग को खींचें हल्का सा लिमिट ये जो एक्स है एक्स यहां से एक्स आपने इलांगेशन किया है आपका सिलेबस है एक्स मच मच लेस देन एल ऐसे बहुत छोटा तो इस केस में देखिए इस पे अगर कोई स्प्रिंग को खींचेंगे तो इसपे स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगता है ये है इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एफ स्प्रिंग जो है वो उल्टा ऐसा लगेगा क्योंकि आपने इसको खींच दिया तो स्प्रिंग जो है उसको रिटर्न बैक वापस लाने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा ठीक है फिगर अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं साइंस को के लिए ड्राइंग खूब बनाइए, खूब फिगर बनाइए उससे आप स्टेटमेंट लिखिए समझिए। देखिए, अगर आपने इसको कंप्रेशन कर दिया कोई ब्लॉक लाया आपने और आपने इसको कंप्रेशन कर दिया ऐसे कंप्रेशन कर दिया इस स्प्रिंग को यहां पे ऐसे कंप्रेशन कर दिया आपने अगेन कंडीशन वही है आपका सिलेबस जो है जो एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ प्लस एक्स मच मच लेस देन एल नॉट हुक्स लॉ आपको फॉलो करना तो जब स्प्रिंग को किसी स्प्रिंग को ऐसे दबाएंगे दबाएंगे तो स्प्रिंग जो है उसके उल्टा ऐसे स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगता है इसके ऊपर स्प्रिंग जो है स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएंगे ये है स्प्रिंग फोर्स ठीक है यहाँ से हम लोग को ये समझना था दोनों फिगर आप देखेंगे दोनों फिगर देखने के बाद आपको ये समझना था कि जो स्प्रिंग फोर्स है ठीक है स्प्रिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन एंड अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन जो भी डिफॉर्मेशन है उसके अपोजिट चल रहा है अगर ये XX आगे इलांगेशन आगे हुआ तो स्प्रिंग फोर्स पीछे है। अगर यहाँ पे इसमें कंप्रेशन अंदर हुआ तो स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगा तो यही आपको इसको डिफाइन करना है ये स्प्रिंग फोर्स का है फिर मैं हटाता हूँ उसको प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो ये दोनों फिगर देख के स्किलर दिख रहा है कि स्प्रिंग फोर्स अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन जो भी डिफॉर्मेशन है उसके अपोजिट जा रहा है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन तो मैं इसको लिखता हूँ आप लिखेंगे अंडर इलास्टिक लिमिट अंडर इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट क्या है एक्स मच मच लेस देन एवनॉ सो स्प्रिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन एंड अपोजिट टू डिफॉर्मेशन अंडर इलास्टिक लिमिट ये आप इसका स्टेटमेंट लिखना है स्प्रिंग फोर्स इट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन टू डिफॉर्मेशन एंड अपोजिट टू डिफॉर्मेशन टू डिफॉर्मेशन सो डिफॉर्मेशन के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू डिफॉर्मेशन एंड अपोजिट टू डिफॉर्मेशन अंडर इलास्टिक लिमिट हो गया नेक्स्ट अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ये सॉल्व करते हैं सो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन एंड अपोजिट टू डिफॉर्मेशन तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्प्रिंग फोर्स तो यहां पे एक, एक के के यूज कर लेंगे ऐसा ठीक है अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना है ये तो डायरेक्शन के लिए है स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए के इन एक्स कहेंगे ये है स्प्रिंग फोर्स के कांस्टेंट उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं के कांस्टेंट है इसको साइंस में हम लोग बोलेंगे के को स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको स्टिफनेस कांस्टेंट इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट स्टिफनेस कांस्टेंट या इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये है स्प्रिंग फोर्स का मैग्निट्यूड डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए ये है अपोजिट टू द डिफॉर्मेशन और मैग्निट्यूड चाहिए तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इनटू एक्स के स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट या इलास्टिक फोर्स कांस्टेंट अब स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं यूनिट लिख लीजिए डायमेंशन बना लीजिए इसका डिफिनेशन अपने से बनाइए जैसे फाइव पॉइंट आप देख रहे हैं स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू है के इनटू एक्स ये है. अब अगर इसमें आप प्लानिंग करें इफ एक्स इज इक्वल टू वन यूनिट वन यूनिट वन यूनिट एनी यूनिट द दन मिलीमीटर वन सेंटीमीटर बहुत स्मॉल डाटा वन यूनिट के लिए देन देन आप चेक करेंगे कि एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के या फिर आप ऐसे कहिए या के इज इक्वल टू एफ स्प्रिंग तो अब इससे आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इन अ स्प्रिंग फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन वन यूनिट डिफॉर्मेशन अगर वन यूनिट डिफॉर्मेशन करेंगे तो बराबर हो जाएगा तो अपने से लिखा जाता है ये जो थ्री टर्म्स है तो थ्री टर्म टर्म में एक को खत्म कर लीजिए खत्म करने का मतलब वन कर लीजिए एक टर्म को कर वन करिए और दो के बीच में अपना स्टेटमेंट खुद बनाइए बोले कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन वन यूनिट डिफॉर्मेशन तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट It's equal to yeah, it is defined as the spring force force for unity deformation deformation in spring. इन स्प्रिंग नेक्स्ट हा यूनिट और डायमेंशन इसका कर लेते हैं uh, आता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का यूनिट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का डायमेंशन सो so, जो आपका फॉर्मूला है एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू ये के इन एक्स सो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो एफ स्प्रिंग डिवाइड बाई एक्स सो यूनिट ऑफ के के का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर सो न्यूटन इन मीटर इनवर्स डायमेंशन चाहिए डायमेंशन ऑफ के का डायमेंशन चाहिए न्यूटन हो गया एम एल टी माइनस टू मीटर हो गया एल तो डायमेंशन में सॉल्व करेंगे तो एम टी माइनस टू तो ये है डायमेंशन तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट अभी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बहुत चीजें सीखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर एरिया ऑफ स्प्रिंग के ऊपर पिच के ऊपर कटिंग पे आपको इसी स्प्रिंग कांस्टेंट का हेल्प लेना है एडिशन पढ़ना है स्प्रिंग कांस्टेंट का So, ये हो गया आपका स्प्रिंग लाइट स्प्रिंग पहले मैंने समझा दिया उस लाइट स्प्रिंग में आपका लॉन्गेशन कंप्रेशन डिफॉर्मेशन और आपका सिलेबस है अंडर इलास्टिक लिमिट तो स्प्रिंग फोर्स कैसे प्रेजेंट करना है क्या उसका मैंगटूड है क्या डायरेक्शन है फिर उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है उसका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया नेक्स्ट थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में सीखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में कुछ छोटा छोटा चीजें सीखते हैं देखिए कुछ टॉपिक पुराना टॉपिक कभी कभी यूनिट डायमेंशन यूनिट डायमेंशन तो बहुत हेल्प करता है कोई भी नया फॉर्मूला बनाने में कुछ क्वेश्चन आप बना रहे हैं कहीं प्रॉब्लम हो गया तो यूनिट डायमेंशन से हम लोग फार्मूला बना लेते हैं तो मैं ये एक यूनिट डायमेंशन से ले रहा हूं एक पॉइंट uh, uh, मैंने यहां पे फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन से मैं एक पॉइंट ले रहा हूं सो यूनिट डायमेंशन टॉपिक से मैं एक रिजल्ट लेता हूं वो बड़ा कॉमन रिजल्ट है काफी यूज करते हैं हम लोग देखिए जैसे सो so, मैं ये पॉइंट आपको वहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक कोई मेटालिक वायर है ऐसा है मेटालिक वायर ऐसा हो गया ठीक है और ये वायर है और ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्रॉस सेक्शनल ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इनिशियल लेंथ है इसका एल नॉट ऐसे एल नॉट है इस तरह इनिशियल लेंथ और जब हम लोग इस वायर को जस्ट खींचते हैं इस वायर को जैसे ही हम लोग लोडिंग लेकर के ऐसे खींचेंगे मान लीजिए इस वार को हम लोग ऐसे खींचते हैं ठीक है ये ये सब चीज़ें आगे भी पढ़ेंगे आप बट यूनिट डायमेंशन में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे इस वार पे हम लोग कोई फोर्स लगा दिए कोई वेट दे दिए लोडिंग कर दिए और इस वार को खींचेंगे तो खींचने में ये इसके अंदर जो है एक्स एक्स जो है वो इलोंगेशन हो गया ऐसे एक्स इलॉन्गेशन हो गया ऐसे इलोंगेट कर गया तो हम लोग यूनिट डायमेंशन में एक टॉपिक पढ़े हुए हैं स्ट्रेस ये है स्ट्रेस स्ट्रेस पढ़े हुए हैं स्ट्रेस पढ़े हुए हैं फोर्स पर यूनिट एरिया ये है फोर्स अप्लाइड फोर्स ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एरिया जैसे ये पेन है ये पेन पेन समझिए कि वार है तो इसका बेस का एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ना फिर हम लोग पढ़े हुए थे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ पढ़े हुए थे स्ट्रेन क्या है तो ये एक्स बाई एल नॉट ये है इलांगन फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ ऐसा ये था आपका और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वाई वाई हम लोग पढ़े हुए थे यंग मॉडल मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इसका यूनिट पूछा गया था डायमेंशन पूछा जाता है स्ट्रेस का यूनिट स्ट्रेन का यूनिट यंग मॉडल्स यंग मॉडल्स तो खूब यूज किए हैं कम से कम ट्वेंटी टाइम तो यूज किए ही हैं आप जब क्वेश्चन बना रहे थे यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस का तो बहुत ज़्यादा यूज होता था और यंग मॉडल्स आप जानते हैं कि ये साइंस में होता है स्ट्रेस स्ट्रेस और डिवाइड बाई स्ट्रेन और इस तरह ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया और ये है एक्स बाई एल और एल नॉट ऊपर चला जाएगा तो ये रिजल्ट आप जानते हैं यूनिट और डायमेंशन से ऐसे ये है आपका मेटालिक वायर है ये वायर जो होता है ये मेटालिक वायर को जैसे ही लोडिंग करते हैं उसमें वायर में इलांग होता है और ये भी आपका सिलेबस जो है वो वही है एक्स मच मच लेस देन एल नॉट ये है। देखिए पढ़ा हुआ है ठीक है एग्जैक्टली सेम ये यूनिट डायमेंशन में पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ कॉपी कर लेना है देखिए यहाँ यूनिट डायमेंशन में जो आप पढ़े हुए हैं सब वही चीज है देखिए यहाँ है एक मेटालिक वायर ये मेटालिक वायर है अब यही वायर तो है यही मेटालिक वायर है जो सीधा है ये वायर जो सीधा हुआ है सीधा हुआ है यही वायर जो है वो स्पारल बन जाता है स्प्रिंग क्या बनता है स्प्रिंग ऐसे 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 कर लीजिए उसी वायर को स्पारल हो गया यही तो स्प्रिंग हो गया पहले वार सीधा था उसको ऐसे ऐसे घुमा लीजिए मेडलिक वायर ये हो गया स्प्रिंग बन गया ठीक है तो इस वायर को जब आप घुमाएंगे और सब कुछ सेम सब कुछ सेम अगर आप वो रिजल्ट आपका ये तो सबको याद है क्योंकि आप यूनिट डायमेंशन के बहुत क्वेश्चन में ये यंग मॉडल्स से रिलेट कर करके आपको डायमेंशन बनाना बहुत सारा क्वेश्चन में था तो अब बताइए अगर मैं इस सेक्शन को ऐसे उसी चीज को मैं स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लो ऐसे बोलो कि मेरा ये स्प्रिंग है और लाइट स्प्रिंग है ये L0 है। मैंने कर दिया और करने पे ये हो गया ठीक है बाकी सब कुछ सेम ये स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो सब कुछ सेम आपका जैसे जैसे इलांगेशन है ये भी रिजल्ट है कि x जो है मच मच लेस देन लोडिंग आप कर दीजिए कोई ब्लॉक लगा दीजिए ऐसे कर दीजिए सब कुछ सेम रहेगा यंग मॉडल्स यंग मॉडल्स जो है नेचुरल प्रॉपर्टी है हर मटेरियल का कांस्टेंट होता है कॉपर का स्प्रिंग है हर कॉपर में यंग मॉडल्स कांस्टेंट रहेगा कॉपर के कोई भी जो स्प्रिंग हो छोटा हो बड़ा स्प्रिंग हो तो नेचुरल प्रॉपर्टी है अगेन वाई अगर हम लोग बात करें यंग मॉडल्स एकदम सेम एकदम यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया और यहाँ है एक्स बाय एल नॉट ये है ठीक है अब फोर्स हटा लीजिए फोर्स इज इक्वल टू जो है ये है ए और वाई अब बाय एल नॉट और इनटू एक्स कर लेंगे ये एक्स कर लीजिए ऐसा। एकदम सेम चीज है वो जो मेटालिक वायर है वही तो स्पाइरल बन गया तो स्प्रिंग बन गया तो जैसा इसके लिए पढ़े हैं एग्जैक्टली सेम मेटालिक स्प्रिंग के लिए रिजल्ट यूज करना है चलिए इसको रिलेट करेंगे देखिए आप जो ऐसे रिलेट करेंगे फोर्स इज इक्वल टू यहां आपने निकाला तो यहां आपको ए आ गया वाई आ गया एल नॉट एल नॉट की जगह एल भी यूज कर सकते हैं इनिशियल लेंथ है और ये एक्स हुआ ये आया रिजल्ट और आपने पढ़ा था कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है के इंटू एक्स होता है तो यहां से आप रिलेट करेंगे तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को इस जगह आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं तो आपका जो के के जो आप पढ़ते थे कंपेयर करेंगे वन एंड टू तो के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो रिजल्ट हुआ वो कुछ ऐसे आ गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो हुआ वाई और ए डिवाइड बाय एल ये है स्प्रिंग कांस्टेंट का रिजल्ट जिसके हम लोग यूज करेंगे काफी यूज होता है इसका हेल्प से वो चीजें सॉल्व करते हैं वाई क्या है वाई द यंग मॉडल्स ऑफ मेटेरियल ऑफ स्प्रिंग फॉर मेटेरियल ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग एल फॉर लेंथ ऑफ स्प्रिंग तो स्प्रिंग का ये लेंथ हो गया ए फोर क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इस तरह जो स्प्रिंग कांस्टेंट है किस किस टर्न पे डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना हुआ है कॉपर से आयरन से एलुमिनियम पे इस पे डिपेंड करता है उसका लेंथ क्या है और क्रॉस सेक्शनल एरिया तीन टर्न पे डिपेंड करेगा थर्ड पॉइंट सो आपने देखा कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो है वो y और a और डिवाइड बाय l इसके ऊपर फंक्शन बन रहा है तो अगर मैं l l से रिलेट करूं तो स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू l लेंथ ऑफ स्प्रिंग के प्रोपोर्शनल होगा और अगर आप इनका ग्राफिकल फॉर्म जानेंगे तो अगर मैं यहाँ एल कर दू लेंग और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कर दू तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो क्योंकि एक फंक्शन ऊपर है दूसरा फंक्शन नीचे है इनका ग्राफ जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ तो ये ग्राफ आप बना लेंगे ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेक्स्ट और इसे आप, आप रिलेट कर सकते हैं जैसे आपके पास स्प्रिंग हो और आपसे पूछा जाता है कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट किसका बड़ा छोटा जैसे मान लीजिए छोटा सा फिगर है आपको एक स्प्रिंग ऐसे दे दिया गया और एक स्प्रिंग ऐसा दे दिया जाए ऐसा दो स्प्रिंग ठीक है सब दिख रहा है यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ इसका लेंथ है L1 है और इसका लेंथ है आप देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग है लेंथ है L2 है सो तो so, लेंथ बड़ा है एल बड़ा है एल से ठीक है L2 टू बड़ा है और आप जानते हैं कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल टू वन बाई अगर लेंथ बड़ा तो स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होगा अगर मैं इसके लिए पूछूं कि ये है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वन है और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के टू है तो अगर लेंथ बड़ा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट छोटा होगा मतलब के वन बड़ा है के टू से हो गया सिंपल रिजल्ट तो ये सब छोटा छोटा बेसिक रिजल्ट आपको जानना है कि स्प्रिंग uh, बड़ा है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट छोटा होगा नेक्स्ट यहाँ से एरिया पे देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे रिलेट कर लीजिए कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा ये हुआ आप ग्राफ बना लेंगे तो ग्राफ आप बनाएंगे इसका तो ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये है कि तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे ग्राफ देखिए फॉलो करिए तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा कंपेयर यहां से भी कर सकते हैं यहां पर ऐसे फिगर बना लीजिए मान लीजिए स्प्रिंग वन ऐसे स्प्रिंग ले रहे हैं ऐसा स्प्रिंग ले लिए इस तरह से स्प्रिंग वन आप ऐसा ले लीजिए और स्प्रिंग टू स्प्रिंग टू सेम बट ऐसे लेना ऐसे दूसरा स्प्रिंग ऐसा ले लीजिए सो so, थिकनेस है वायर का थिकनेस ज्यादा हो गया वायर का ऐसे थिकनेस ज्यादा कर लीजिए मान लीजिए ये दो वायर हो गया ये दो वायर हो गया ये ये सामने दो वायर हो गया आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए इसका ज्यादा है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और ये पेन है ये छोटा सा पेन है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो अगर एरिया ज्यादा देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा सिंपल रीजल्ट तो यह है स्प्रिंग वन ये स्प्रिंग वन है मान लीजिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है तो

स्प्रिंग कांस्टेंट एक टर्म पे और डिपेंड करता है वो होता है वन बाय पिच वन बाय पिच में पिच मैं बताता हूं आपको ऐसे आप इसको बोल सकते हैं पिच का मतलब प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स मैं समझा देता हूं पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ वही चीज है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये आप लिख लीजिए मैं समझाता हूं पिच पिच आपको पढ़ना होता है पिच पिच जैसे समझिए आपका मान लीजिए कोई स्प्रिंग है कोई आपने स्प्रिंग ऐसा देखा स्प्रिंग इस तरह से ये सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे टर्निंग देखा आपने six टर्न देखा और मैंने एक स्प्रिंग ऐसे देखा ऐसे, ऐसे देखा इस तरह से स्प्रिंग देखा तो पिच देखिए इसको बोलते हैं पिच ये टर्न हो गया ऐसे दो टर्निंग के बीच में स्प्रिंग का जो दो टर्न है कोई भी दो टर्न है तो कोई भी दो टर्न के बीच में ये जो डिस्टेंस लेते हैं ना दो एडजस्टेंट जो टर्न है ये एडजस्टेंट टर्न जो देखना है इसके बीच का डिस्टेंस जो हुआ ये साइंस में कहलाता है का मतलब होता होता है पिच, ये हुआ पिच होता है. ये ये हुआ दो एडजस्टेंट टर्न कोई भी दो एडजस्टेंट अगल बगल का जो टर्निंग हो गया उसके बीच का गैप पिच कहलाता है यहां देखेंगे यहाँ पे यहां पे देखिए कोई भी अगल बगल का टर्न लेंगे एक टर्न ले लेंगे यहां टर्न ले लेंगे यहां ये देखिए ये कहलाएगा पिच ये हुआ पिच हो गया ठीक है तो अगर पिच कम है अगर ये पिच है पी वन कहें और ये पिच को बोलेंगे पी टू कहेंगे तो क्लियर सा दिख रहा है कि पी वन पिच जो बड़ा है पी टू से पी वन बड़ा है क्योंकि तो ये लेंथ देखिए ये इतना बड़ा है ये छोटा है ये पिच और अगर पिच यहाँ देखेंगे पिच स्प्रिंग कांस्टेंट वन बाय पिच तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो रिजल्ट हुआ वन बाय पिच ऐसे ठीक है तो पिच जो हुआ ये पीवन बड़ा हुआ अगर ये पिच पीवन बड़ा है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट छोटा होगा स्प्रिंग छोटा है तो यहां पे आप मान लीजिए इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 है ये है स्प्रिंग फर्स्ट स्प्रिंग ये सेकेंड स्प्रिंग तो अगर पिच पिच अगर वन का बड़ा है तो के वन लेस देन के टू ऐसे और के टू ग्रेटर देन के वन तो ये सब छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको जानना है ऐसे तो स्प्रिंग स्प्रिंग आ, का स्प्रिंग कांस्टेंट एरिया पे पिच के ऊपर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही इसी पे रहेगा हम लोग का सिलेबस जो है इसी के ऊपर है जो कि हमें पढ़ना है हेलिकल ये स्प्रिंग को हेलिकल स्प्रिंग बोलते हैं ये स्प्रिंग जो है वो हेलिकल स्प्रिंग है हेलिकल स्प्रिंग जो सब लोग हम लोग देखे हुए हैं ये हेलिकल स्प्रिंग हो गया पेन में पेन के अंदर जो आप यूज करते हैं वो हेलिकल स्प्रिंग हो गया इसके साथ साथ ये है स्फेरिकल स्प्रिंग भी होता है स्फेरिकल स्प्रिंग ऐसे स्फेरिकल स्प्रिंग भी होता है ऐसे रहेगा तो हमें पढ़ना है ये हेलिकल स्प्रिंग है और ये है स्फेरिकल स्प्रिंग तो ये तो देखे हुए हैं हम सब लोग देखे हुए हैं स्प्रिंग बचपन में टॉयज आता था था एक खिलौना जो जो होता कि जिसमें चाबी ऐसे भरते थे कार होता था तो बचपन में चाबी ऐसे भरते थे हम मैनुअली हाथ से ऐसे चाबी भरे और चाबी भरने के बाद छोड़ते थे वो चलना शुरू हो जाता था, था तो जब आप चाबी ऐसे भरते हैं यही तो कॉन्सेप्ट होता था ये स्प्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगा ऐसे जैसे चाबी आप भरेंगे आपके हाथ का जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन एनर्जी है वो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग एनर्जी में स्टोर हो जाएगा और जैसे ही छोड़ेंगे वो उसको कानेटिक एनर्जी गाड़ी आगे बढ़ने लगता था तो इस सब लोग खेले हुए हैं ऐसे खिलौने से जिसमें चाबी भरते थे तो जब चाबी ऐसे गोला गोला ऐसे भरते थे हम लोग तो यही तो रहता था स्प्रिंग उसके अंदर उसको खोल के जब देखते थे तो ऐसे ही स्प्रिंग यही चाबी यहाँ से रहेगा जैसे ऐसे गोला गोला करेंगे ये सब नज़दीक कंप्रेशन आएगा और कंप्रेशन के बाद जैसे ही छोड़ते थे जस्ट अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ा देगा तो ये हम लोग को स्प्रिंग हेलिकल पढ़ना तो हमें हेलिकल स्प्रिंग है बट देखा हुआ है ए, स्फेरिकल स्प्रिंग भी देखा हुआ है और एक स्प्रिंग लिफ स्प्रिंग भी होता है ये भी देखे होंगे तो लिफ स्प्रिंग कुछ ऐसा ऐसा इसको लिफ स्प्रिंग बोलते हैं ये स्प्रिंग है लिफ्ट स्प्रिंग हुआ ऐसा ये स्प्रिंग हम लोग देखे हुए हैं ट्रक के अंदर हैवी व्हीकल जो हुआ ट्रक हुआ या ट्रैक्टर पुराने ट्रैक्टर में भी यूज होता था तो जो ट्रक है बस है उसके जो व्हील होते हैं जो चक्का हुआ ठीक है उसके बगल में आप देखेंगे जैसे बाइक में देखिए बाइक बाइक जो आपका जो बाइक होगा तो बाइक में जो जो व्हील चक्का हुआ उसके लिए सॉक ऑब्जर्वर के लिए स्प्रिंग यूज करते हैं देखते हैं शॉक ऐसे स्प्रिंग व्हील से अटैच जो रहेगा व्हील से अटैच जो स्टेयरिंग तरफ आता है उसमें स्प्रिंग लगा रहता है वो कभी गड्ढे में गया तो शॉक वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो जिस जैसे ही गाड़ी कहीं अप डाउन हो रहा है तो वो स्प्रिंग एनर्जी को एबजॉर्ब करता है ठीक है तो बाइक में ये वाला स्प्रिंग होता है बाइक में चक्के के जस्ट कनेक्ट होता है स्टेयरिंग से कनेक्ट होने के लिए ये ऐसे स्प्रिंग यूज करते हैं सब लोग देखे हुए हैं जबकि ट्रक में अगर आप हैवी व्हीकल है ट्रक है बस है तो उसके व्हील्स के लिए जो एब्जॉर्बिंग एब्जॉर्बिंग स्प्रिंग होता है ये ये प्लेट्स होते हैं बड़े बड़े आर के प्लेट्स होते हैं और जैसे जस्ट जर्क लगता है उसमें व्हील पे तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ठीक है ऊपर ट्रांसफर होने से रोकता है ये ठीक है तो इसको लिफ स्प्रिंग बोलते हैं हमें पढ़ना यही है, है तो हम लोग ने स्प्रिंग के बारे में सीखा कि स्प्रिंग जो लाइट स्प्रिंग कैसा होता है स्प्रिंग फोर्स कैसे हमें प्रेजेंट करना है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट आपने देखा है स्प्रिंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है ये हो गया आपका अब हम लोग प्लान करते हैं कटिंग करते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग करते हैं फिर कंबाइन करना सीखेंगे फोर्थ पॉइंट कटिंग करना है स्प्रिंग का कटिंग फोर्थ में कटिंग ऑफ स्प्रिंग बस ये कॉन्सेप्ट छोटा सा फॉलो करिएगा कि के स्प्रिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू वन बाय एल बस इसको फॉलो करेंगे वो तुरंत बन जाता है देखिए कटिंग बताइए नंबर वन अगर मान लीजिए आपका स्प्रिंग ऐसा है ऐसा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है ठीक है स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आप इसको बीच से मान लीजिए इसका लेंथ है एल ऐसे लेंथ एल है ये स्प्रिंग है जिसका लेंथ एल है अगर आप बीचों बीच ऐसे कट कर दिया आपने आपने ऐसे बीचों बीच ऐसे कट कर दिया कट इनटू इक्वल पार्ट इसको कट कर दिया आपने इन टू इक्वल पार्ट में टू इक्वल पार्ट एकदम बराबर बराबर आपने कट कर लिया और कट करने के बाद कुछ आपको एक साइड ऐसे मिला और दूसरा साइड ऐसे मिला अब बताइए अगर एल लेंथ है और आपने बराबर से एकदम बीचों बीच काट कट कर दिया तो ये लेंथ एल बाई टू एल बाई टू ये साइंस का ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है देखिए बताइए अगर लेंथ हाफ हुआ लेंथ लेंथ हाफ हुआ तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल। के है और अगर लेंथ हाफ हो गया दो पार्ट में कट कर दिया आपने तो लेंथ अगर हाफ करिएगा तो ये ऊपर ऊपर हो जाएगा डबल तो इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टूके हो जाएगा और इसका भी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टूके हो जाएगा बहुत सिंपल जाता है बहुत सिंपल एक सेकेंड पॉइंट यह है लेंथ एल स्प्रिंग कांस्टेंट की है कट इन थ्री इक्वल पार्ट थ्री इक्वल पार्ट्स में कटिंग करना बोली लेंथ एल है इसका लेंथ हो गया एल बाई थ्री लेंथ एल बाई थ्री ध्यान रखेंगे के प्रोपोर्शनल टू वन बाई एल देखिए ध्यान से अगर लेंथ एल बाई थ्री हो गया तो स्प्रिंग कांस्टेंट थ्री थ्री के थ्री के थ्री के तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा थ्री के है थ्री के ठीक है सिंपल रिजल्ट होगी नेक्स्ट तो अपने बना सकते हैं कोई भी सेमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भी कटिंग करेंगे तो आप बना लेंगे मान लीजिए स्प्रिंग ऐसा है। ऐसा लेंथ एल है स्प्रिंग कांस्टेंट के है कट करिए फोर इक्वल पार्ट में फोर इक्वल पार्ट में ऐसे कट कर लिए कट करना है तो ये लेंथ हो गया एल बाई फोर एल बाई फोर एल बाई फोर एल बाई फोर अगर लेंथ एल बाई फोर हुआ तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फोर के आप जानते हैं कि के प्रोपोर्शनल टू वन बाई लेंथ ऐसे तो लेंथ अगर वन बाई फोर अगर इसको कट कर रहे हैं फोर इक्वल पार्ट में एल बाई फोर एल बाई फोर एल बाई फोर एल बाई फोर तो इसका स्प्रिंग कॉन्सटेंट फोर के ये हो गया फोर के ये हो गया फोर के और ये भी हो गया क्ट अनेटिकल भी कट कर सकते हैं जैसे आप सिमेट्रिकल अनसेमेटिकल मान लीजिए आपका स्प्रिंग यह लेंथ एल है स्प्रिंग कांस्टेंट के है यहां से कट कर लेंगे मान लीजिए ऐसे कट कर लिया अनसेमेटिकल पार्ट में जैसे दो सेक्शन इधर से कट कर लिए और चार सेक्शन इधर से कट कर लिए ऐसा तो अब देखिए यहाँ पे इसका लेंथ जो हो गया वो है इसका लेंथ मान लीजिए एल बाई थ्री हुआ और ये लेंथ हुआ और ट्वेल्व बाई थ्री क्योंकि जब आप कट करेंगे आ, इधर दो टर्न इधर और फोर टर्न इधर कर रहे हैं अनसेमेटिकल कटिंग तो लेंथ का आ, वन थर्ड पार्ट पार ये हुआ टू थर्ड पार्ट ये हो गया लिखा भी रहता है पेपर में तो एकदम इजी कितना आसान है कि के प्रोपोर्शनल टू वन बाई एल ये कॉन्सेप्ट यूज करना है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो एल बाई थ्री लेंथ थ्री टाइम घट गया एल बाई थ्री तो ये हो गया थ्री के और ये हो गया थ्री के बाई टू हो okay? गया कोई भी आप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जैसे मन करे वैसे कट कर लीजिए बताइए मान लीजिए इसमें मुझे टर्न है आपका जितना टर्निंग है नाउ वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टर्निंग है तो एट टर्निंग में मैंने ऐसे कट कर दिया ऐसे इस तरह से कट कर लिया ऐसे तो इस साइड में दो टर्न आया और इस साइड में मुझे सिक्स टर्न फोर फाइव सिक्स ऐसे आ गया इस तरह से तो वो लेंथ एल है और ये लेंथ जो हो गया एल बाई फोर हो गया और ये लेंथ हुआ वो हुआ थ्री एल बाई फोर ऐसे लेंथ है एल बाई फोर और ये लेंथ है थ्री एल बाई फोर तो आप सॉल्व कर लेंगे अगर लेंथ एल बाई फोर हुआ तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फोर के हो गया और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फोर के बाई थ्री हो जाएगा ऐसे कटिंग एकदम आसान है आप ये जो फंडामेंटल रिजल्ट है उसको फॉलो करना है कटिंग के बाद आपको कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन में एक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरल कॉम्बिनेशन मिक्स भी पढ़ेंगे हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन भी सीखना है सीरीज पहले कर लेते हैं हम लोग फाइव right. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग्स कोई भी स्प्रिंग का हमें सीरीज काम्बिनेशन करना है शन ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग का हम लोग को सीरिज कॉम्बिनेशन करना है फिर उसके बाद पैरल कॉम्बिनेशन करेंगे प्लानिंग करते हैं नंबर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में एक स्प्रिंग है ये one, और ये और है स्प्रिंग है टू एस यह स्प्रिंग जो है आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के वन है और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के टू है अब आप इसको इलांगेट करेंगे इलांग करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये इलांगेट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा और यहाँ एक ब्लॉक ले लेंगे ऐसे इस तरह से ऐसे। तो यह है आपका स्प्रिंग स्प्रिंग में हम लोग ने सरिज में सरिज कॉम्बिनेशन किया हुआ था ऐसा और तो यह है और रिजल्टेंट इलाशन आप देख रहे हैं यहां से ब्लॉक को हम लोग ने यहां तक पुल कर लिया है ऐसे यह है रिजल्टेंट इलांगेशन ये रिजल्टेंट इलांगेशन जो है वो x ये x हो गया x जो है वो रिजल्टेंट इलांगेशन है ठीक अब आप समझिए ठीक है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा क्योंकि तो सीरीज में है ना सीरीज में आपको मैंने बताया था कि सीरीज में मान लीजिए सीरीज के, के केस में एक तार है ठीक है इस पर दूसरा तार लगा दीजिए ऐसे एक दूसरा तार ऐसे लगा दीजिए और ऐसे एक ब्लॉक ऐसे अटैच कर दीजिए तो हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे हर जगह टेंशन सेम रहेगा तो दो तार है बट टेंशन सेम रहेगा अगर सीरीज में कनेक्ट किए हुए ये सीरीज में है एक तार ये एक तार ये तो सीरीज में ये रिजल्ट होता है कि आप जानते हैं सीरीज के लिए सीरीज में सेम फोर्स होता है सेम और टेंशन फोर्स रहेगा सेम टेंसन फोर्स तो दो रस्सी है और आप ऐसे सीरीज में लगा दीजिए एक ब्लैक वाला है एक ब्लू वाला है दोनों में ऐसे जोड़ दीजिए गांठ जोड़ करके ब्लॉक से अटैच कर दीजिए तो माना जाएगा कि एक ही रस्सी है तो दोनों में टेंशन फोर्स क्या होगा सेम तो एग्जैक्टली सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे यहां वो कॉन्सेप्ट यूज करना है कि एक्स इलासन हुआ और मान लीजिए कि इसमें इलांगेशन जो है इसके अंदर इलांगेशन है एक्स वन और इसके अंदर इलांगेशन जो है वो स्प्रिंग है यहां से वो इलांगेशन है एक्स है ऐसे तो फोर्स सेम रहेगा अगर आपका सीरीज है सीरीज के केस में सीरीज केस में यहाँ फोर्स जो होगा ना वो सेम होगा एफ स्प्रिंग फोर्स जो रहेगा और ये एफ स्प्रिंग फोर्स रहेगा ये सेम रहेगा इसके लिए फंडामेंटल रिजल्ट इसको समझिए कि दो रस्सी है बट अगर सीरीज में कनेक्ट करके आप बीच में गांठ बांध दीजिए और एक ब्लॉक लगा दीजिए तो माना जाएगा कि वो एक ही रस्सी है ठीक है तो सीरीज के केस में यहाँ आप लिखेंगे फोर सीरीज केस फोर सीरीज फोर सीरीज एफ स्प्रिंग ये है कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स सीरीज में कांस्टेंट स्प्रिंग फोर्स रीज के केस में कांस्टेंट स्प्रिंग ऑफ फोर्स स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है।, है जैसे कि फर्स्ट स्प्रिंग में लगाएंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो हुआ के वन एक्स वन सेकेंड स्प्रिंग में लगाएंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया के टू एक्स टू बट ये ध्यान रखना है कि के वन एक्स वन के टू एक्स टू क्या है सेम है ये स्प्रिंग फोर्स दोनों तो सेम रहेगा ठीक है इलांगेशन अलग हो गया लोंगेशन अलग अलग रहेगा एक्स टोटल इलोंगेशन सो टोटल इलोंगेशन जो होगा वो आपको लिखना है एक्स वन प्लस एक्स टू टोटल इलांगन जो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू ठीक है यहां पे आप रिजल्टेंट भी लिखेंगे ये रिजल्टेंट मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स रिजल्टेंट लिखेंगे तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू के इन टू एक्स लिख देंगे ऐसे क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हर सेक्शन में हर जगह स्प्रिंग फोर्स से चाहे इस पे लगाएंगे चाहे इस पे लगाएंगे चाहे ओवरऑल रिजल्टेंट लिखेंगे रिजल्टेंट लिखेंगे रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स है हर जगह सेम रहेगा तो इस रिजल्टेंट के और एक्स टोटल इनगेशन है बस सॉल्व uh, कर देंगे देखिए यहाँ पे यहां पे एक्स के जगह आप यूज करेंगे एफ स्प्रिंग डिवाइड बाय के यहां पे यूज करेंगे एफ स्प्रिंग आर डिवाइड बाय के वन और यहां यूज करेंगे एफ स्प्रिंग आर डिवाइड बाय के टू ये तो कट जाएगा ये तो कट जाएगा आपको ऊपर का तो ये है वन बाई के इज इक्वल टू और वन बाई के वन और प्लस वन बाई के टू ऐसे इस तरह से तो ये K जो आया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए वो K1 वन इंटू के टू और डिवाइड बाई के वन और प्लस के टू है रिजल्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ये रिजल्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इन सीज सी रिजल्ट रस्सी को जोड़ेंगे में सेम होता है उसी तरह स्प्रिंग इस फोर्स इसके लिए चाहे इसके लिए चाहे रिजल्टेंट हमेशा स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा बाकी आप सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट हो गया और काफी यूज करेंगे इसको कई टॉपिक में हम लोग इसको यूज करेंगे तो आप बताइए अगर कोई स्प्रिंग मान लीजिए आपने ऐसे कोई स्प्रिंग को जोड़ा है मान लीजिए एक स्प्रिंग आपने ले लिया ऐसा और एक स्प्रिंग ऐसे ले लिया और एक ब्लॉक अटैच कर लिया तो सीरीज में आपने कनेक्ट किया एक स्प्रिंग है के और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट टू के है तो आपको अगर सीरीज कम्बिनेशन करना है यहाँ पे तो रिजल्टेंट के रिजल्टेंट जो लिखना है वो इक्वल टू सीरीज है तो के इन टू टू के आर डिवाइड बाई ये जोड़ लेंगे तो थ्री के कर लेंगे ये कैंसिल हो गया तो के रिजल्टेंट जो हो गया वो है टू के बाई थ्री तो आप चाहे तो इस फिगर को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये फिगर जो हुआ वो एक सिंगल स्प्रिंग बन गया और एक ब्लॉक हो गया और इस सिंगल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट टू के बाई थ्री हो गया हो गया नेक्स्ट कोई भी आप जैसे थ्री स्प्रिंग है आप मान लीजिए ये सब बहुत जरूरत पड़ता है कॉम्बिनेशन करने के लिए तो मान ली एक स्प्रिंग है दूसरा स्प्रिंग है और तीसरा स्प्रिंग है और एक ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है आपने और ये है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के और ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टू के ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट थ्री के सो के टू के और थ्री के ऐसा है आपका और हमें कनेक्ट करना है इनको तो सीरीज में है सीरीज के लिए आपको मैंने अभी रिजल्ट बताया था कि के रिजल्टेंट जो होता है वो एक तो टू के लिए ऐसे यूज करना है बट अगर तीन रहेगा तो वन बाई K, और प्लस वन बाई टू के और प्लस वन बाई थ्री के लिए ये रिजल्ट होता है दो के लिए by one one by two, तीन रहेगा तो वन बाई के वन वन बाई के टू वन बाई के थ्री सॉल्व कर लेंगे सो so, यहां पे हो जाएगा सिक्स के और ये हुआ सिक्स प्लस ये थ्री प्लस टू तो के जो रिजल्टेंट हुआ वो है सिक्स के डिवाइड बाई एलेवन सिक्स के बाईन हो गया रिजल्ट मतलब ये आप सिस्टम को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक सिस्टम में ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं और यहां पे आप लिख सकते हैं सिक्स के बाई एलेवन तरह सिरिज कम्बिनेशन आपको सीखना था और बहुत सारे टॉपिक में लॉप मोशन एस एच एम वर्क फॉर एनर्जी कोलिजन ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक में खूब यूज होते पैरल कॉम्बिनेशन सीखते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट सो पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग तो स्प्रिंग का पैरल कॉम्बिनेशन करते हैं देखिए फिगर ऐसे फिगर देखना आपको और ऐसे प्लानिंग करना देखिए यहां पे ब्लॉक है ये सिस्टम है मान लीजिए एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है ऐसे मान लीजिए यहां एक ब्लॉक से अटैच है अभी ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ये नेचुरल लेंथ पे है कोई इलांगेशन नहीं है स्प्रिंग के वन और के टू है ठीक अब हम लोग ब्लॉक को जस्ट आगे की तरफ आगे जस्ट इधर की तरफ इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग देखिए ऐसा ये हो और ये है स्प्रिंग ऐसा ऐसा तो ब्लॉक को मैंने इधर की तरफ जस्ट पुश कर दिया अब ध्यान से देखेंगे अब जैसे ही ब्लॉक को मैंने आ, आगे की तरफ जैसे जैसे ही आगे की तरफ ऐसे ब्लॉक को शिफ्ट कर दिया यह है के वन है और के टू है ब्लॉक आगे इलोंगेट हो गया ठीक है तो आप देखेंगे कि इसमें इलोंगेशन फर्स्ट वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन ये इलोंगेशन हुआ एक्स वन और यहाँ एक्स एक्स वन एक्स टू सब बराबर है मान लीजिए एक्स वन मैं करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इलोंगेशन ये ये भी इलोंगेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा ठीक है ये सेम रहेगा ठीक है ये ऐसे है क्योंकि स्प्रिंग वन मान लीजिए स्प्रिंग वन का इलांगेशन एक्स वन करेंगे स्प्रिंग टू का इलांगेशन एक्स टू करेंगे तो एग्जैक्टली सेम रहेगा तो पैरेलल केस में क्योंकि आप देख रहे हैं स्प्रिंग को एकदम बराबर एकदम बराबर डिस्टेंस पे ऐसे मूव करेंगे तो सीरीज केस में फोर्स बराबर होता है और पैरेलल केस में इलांगेशन सेम होगा चेक कर लीजिए इलांगेशन सेम सेम इलांगेशन ठीक है फोर्स अलग अलग होगा यहां पे स्प्रिंग फोर्स देखेंगे तो इसका स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा इस स्प्रिंग फोर्स को ऐसे लिखेंगे F1 कर लीजिए और इस स्प्रिंग फोर्स को ऐसे कर लेंगे एफ वन एफ टू से रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहां पे इस केस में इन पैरल इन पैरल कॉम्बिनेशन

तो आप बोल सकते हैं ये ब्लू कलर वाला एफ रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स एफ एफ इज कॉल रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स ये रिजल्टेंट स्प्रिंग ऑफ फोर्स आप लिख सकते हैं और ये आप रिजल्टेंट स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपको लिखना है एफ वन प्लस एफ टू एफ वन प्लस एफ टू लिखना है ये रिजल्टेंट स्प्रिंग जो होगा वो दोनों एफ वन प्लस एफ टू कम्बाइंड होगा और अब आप यहाँ पे जोड़ लेंगे रिजल्टेंट के और यहाँ पे लिखेंगे के वन इंटू एक्स क्योंकि एक्स कॉन्स्टेंट है सब में प्लस के टू इंटू एक्स इलोंगेशन सब में कॉन्स्टेंट है एक्स वन लिखेंगे एक्स टू लिखेंगे इक्वल टू एक्स रिजल्टेंट सब में सेम देखिए अब इसमें अगर आप के निकालना है तो k जो है k1 वन प्लस के तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्थ पैरेलल कॉम्बिनेशन k जो है रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्थ पैरेलल कॉम्बिनेशन ये था नेक्स्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कैसे भी स्प्रिंग जैसे मान लीजिए ये आपने स्प्रिंग को ऐसे कनेक्ट कर दिया ये ऐसा हो गया एक स्प्रिंग ऐसा आपने लिया और दूसरा स्प्रिंग ऐसे आपने ले लिया और एक ब्लॉक को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये है पैरल के केस में ये के है और के ये के और के पैरल आपने लिया है तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो हो गया यहाँ पे कम्बिनेसन करेंगे रिजल्टेंट और के और प्लस के इज इक्वल टू टू के बन गया ऐसे और ये जो हुआ फिगर To, आप चाहे तो इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं ये फिगर के जगह आप ऐसे लिख सकते हैं एक ब्लॉक कर लीजिए और स्प्रिंग कांस्टेंट में यहाँ पे कर लेंगे ऐसे ये कर सकते हैं चाहे आप में ऐसे भी ये भी पैरल कहलाता है ये भी पैरल कॉम्बिनेशन है मान लीजिए हॉर्जेंटली नहीं वर्टिकल में ले रहा हूँ एक स्प्रिंग ले लिया दूसरा स्प्रिंग ले लिया और ये स्प्रिंग कांस्टेंट एक का के है और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो इक्वलेंट टू ये फिगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि इक्वलेंट टू जो रिजल्टेंट स्प्रिंग क्योंकि पैरेलल केस में पैरेलल के केस में ये रिजल्टेंट के प्लस के और ये भी ध्यान रखिएगा ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये ये भी काफ़ी यूज होगा और इसको भी साइंस में मान लीजिए ऐसे लिया मैंने एक ब्लॉक ले लिया ऐसे और यहां मैंने एक ब्लॉक ले लिया ऐसे इस तरह से मैंने कर लिया इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ये भी पैरल कॉम्बिनेशन कहलाता है ये भी साइंस में पैरल तीनों फिगर एक दो तीन तीनों फिगर सेम है ये भी साइंस का ये पैरल कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है ये भी है पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग का एग्जाम्पल है ये स्प्रिंग का पैरल कॉम्बिनेशन में आता है और इक्विवेलेंट इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक ब्लॉक कर लेंगे और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टू के कर लेंगे सिंपल साम को नेक्स्ट बताइए मैंने स्प्रिंग को ऐसे प्रेजेंट किया ऐसे प्रेजेंट कर दिया एक ब्लॉक लगा दिया तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट यहां है के और के और के ऐसे स्प्रिंग कांस्टेंट है तो इसका रिजल्टेंट चाहिए के रिजल्टेंट के रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे चाहिए रिजल्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एकदम आसान है एकदम इजी है देखिए आप ये दोनों को समझिए ये दोनों पैरेलल है ये दोनों पैरेलल हो गया तो टू के टू के हो जाएगा तो ये देखिए टू के मिल करके ये तो पहले के और के टू के हो जाएगा और ये ये है आपका ऐसा ब्लॉक है तो ये देखेंगे ये है आपका के और ये दोनों मिला पैरल है तो पैरल में टू के हो गया अब आप बताएंगे फाइनली कि ये जो टू के है और के है ये दोनों को सीरीज में हमें कनेक्ट करना है तो हम लोग पढ़े हुए हैं हम लोग पढ़े थे कि रिजल्टेंट जो है इन दोनों को सीरीज करना है तो के और इन टू टू के और डिवाइड बाई यहाँ थ्री के ऐसे कर लेंगे तो रिजल्टेंट जो हो गया वो हो गया टू के बाई थ्री तो ये हो गया टू के बाई थ्री नेक्स्ट मान लीजिए मैं ऐसे वायर कर दूँ इस तरह से आपको प्लानिंग कर दूँ वन स्प्रिंग कर दिया मैंने नेक्स्ट सेकेंड स्प्रिंग है नेक्स्ट थर्ड स्प्रिंग है फिर इनको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ नेक्स्ट वन और फिर टू और फिर मैं ऐसे कर दूँ ऐसे ब्लॉक कर दूँ तो मुझे रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए सब आइडेंटिकल है सबका स्प्रिंग कॉन्सटेंट के और मुझे चाहिए था इनका रिजल्टेंट स्प्रिंग कॉन्सटेंट सबको हटा के एक सिंगल स्प्रिंग रखना था नहीं रिजल्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एकदम आसान सा है देखिए ये तीनों जो है वो पैरल में है तो पैरल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो थ्री के हो गया और इनका कम्बिनेशन करेंगे तो टू के हो गया तो आप जैसे ही इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो गया थ्री के पैरल है पैरल का कम्बिनेशन करेंगे तो थ्री के और ये हो गया आपका टू के और यहाँ पे है आपका के और ये है ब्लॉक ये के हुआ ये है टू के है और ये थ्री के है ऐसा अब इन तीनों को हमें करना है सीरीज में तो अब आप रिजल्टेंट बना लीजिए हम लोग पढ़े हुए थे रिजल्टेंट ऐसे पड़े हुए थे कि सीरीज सीरीज के लिए तो वन बाई के रिजल्टेंट था वो सीरीज में वन बाई के प्लस वन बाई टू के प्लस वन बाई यहां पे थ्री के तो हम लोग सॉल्व किए थे इसको नीचे में था आपका सिक्स के तो ये हो जाएगा ऊपर में सिक्स नीचे सिक्स के और डिवाइड बाई यहां हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री प्लस टू सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सिक्स के बाईन था सॉल्व कर लीजिए हम लोग अभी पढ़े हुए थे ऐसे तो ये कई टॉपिक में आपको जरूरत पड़ेगा स्प्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे टॉपिक में आपको पढ़ना है मान लीजिए कोई ब्लॉक है ऐसा मैंने ब्लॉक को इस तरह से कनेक्ट कर दिया ऐसे इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया और ये देखिए ये K है और ये 2K है और ये 2K है और ये 3K है, है अब इस पूरे सिस्टम को हटाना है और हटा के मुझे एक सिंगल सिस्टम चाहिए सिंगल सिस्टम तो आप रिजल्टेंट चाहिए मतलब आप जानते हैं ये सीरीज है बताइए ये, ये दोनों सीरीज है तो सीरीज में 2k और 2k का सीरीज हो जाएगा तो k हो जाएगा तो ये आप लिखेंगे तो ये k हो गया ऐसा ये ये दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये k हो गया ये k हो गया ये k हो, हो, हो गया और ये है थ्री के अब ये ये मैंने बताया था कि पैरल होता है ये दोनों पैरल है पैरल का हो जाएगा टू के और ये भी तो पैरल है मैंने आपको बताया था कि इस फिगर को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं एक ब्लॉक है और यहाँ पे है दूसरा स्प्रिंग है और ये है तीसरा स्प्रिंग है ऐसे इस फिगर को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां के हुआ यहाँ के हुआ और यहाँ हुआ थ्री के ऐसे लिख सकते और जो पैरल है तीनों पैरल है तो तीनों पैरल का के रिजल्टेंट के रिजल्टेंट हो गया थ्री के के थ्री के प्लस के प्लस के, तो, के। तो आप चाहे तो इसको एकदम छोटा सा ब्लॉक में कर सकते हैं एकदम छोटा सा ऐसे बना सकते हैं कि ये रिजल्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फाइव के ये है फाइव के okay. तो इस तरह आप कंबिनेशन करना सीरीज पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन इस तरह आपको सीखना है और ये सारे टॉपिक में आपको इसका जरूरत होता है कट करना कंबाइंड करना बताइए जैसे मैंने कोई भी फिगर ऐसे दे दिया आपको सिक्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये इतना छोटा सा टॉपिक है कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं मान ली ये स्प्रिंग कांस्टेंट है 4k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट 4k है और ये 3k है ये मैंने k ले लिया इसको 2k कर दिया इसको 2k कर दिया और डायरेक्ट कर लीजिए ना डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं आपको रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए देखिए आप जानते हैं ये सीरीज में है और सीरीज में ये 2k और 2k सीरीज में 4k 4k सीरीज में आएगा तो 2k आ जाएगा ठीक है और ये भी सीरीज में ये सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा के और ये सब पैरेलल में आ जाएगा सारा लोग पैरेलल ये टू के थ्री के के और के सब पैरेलल है सब पैरेलल हुआ तो फाइनली अब के और रिजल्टेंट करेंगे तो ये ये हुआ टू के थ्री के और के और के तो टू के हुआ प्लस थ्री के हुआ प्लस के है प्लस के है फाइव और सिक्स सेवन के मतलब रिजल्टेंट जो हुआ वो सेवन के ऐसा ये है सेवन के ये फाइनल हो गया तो इसमें और भी है अभी और भी कम्बिनेशन है और हम लोग डिस्कस करेंगे तो बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट हो गया सीरीज का कॉम्बिनेशन पैरल कॉम्बिनेशन और हम लोग कटिंग सीख लिए तो ये लेक्चर यहीं तक नेक्स्ट क्लास और कंटिन्यू करते हैं और ये सिर्फ लॉ ऑफ मोशन में ही जरूरत नहीं पड़ेगा इसको वर्क पावर एनर्जी एस एच एम आपका कोलिजन ट्वेल्थ क्लास के कई टॉपिक में स्प्रिंग का जरूरत पड़ता है तो मैं स्प्रिंग का फंडामेंटल रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं, जो हर टॉपिक में यूज होगा सो नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस करेंगे